आप लोगों को याद होगा जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद से इमरान खान को हटाया गया था उस समय मैंने कहा था कि अगर इमरान खान को आगे चलकर जेल में डाल दिया जाता या फांसी पर चढ़ा जा दिया जाता है तो आप लोगों को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए क्योंकि दुनिया जानती है पाकिस्तान के जो भी प्रधानमंत्री पद से हटे हैं उनका हाल कितना बुरा किया गया और अभी खबर आ रही है ऐसी कि इमरान खान पर गोली चलाई गई है और इनके पैर में शायद गोली भी लगी है एक पाक मीडिया की खबर दिखाई जा रही थी अभी अपने भारत में भी ये न्यूज़ चल रही थी तो इमरान खान के बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं इनका बैकग्राउंड क्या है और इनकी बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं और हम पाकिस्तान की बात करें आप सभी जानते हैं कि उन्नीस तक पाकिस्तान हमारा हिस्सा था भारत का हिस्सा था देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है और इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में और ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान की सीमा आप देखिए ईरान से लगती है अफगानिस्तान से लगती है और यहाँ आप देखेंगे भारत से लगती है इसकी सीमा एक बात और याद रखिए पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था लेकिन उन्नीस के बाद आप देखिए उन्नीस में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है बांग्लादेश को लेकर और बांग्लादेश उस समय आजाद हुआ था और आप देखेंगे कि उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो आप देखेंगे कि इस्लामाबाद है और यहां आप देखेंगे वर्तमान में शहबाज शरीफ यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और संघीय इस्लामिक इस्लामी संस, संसदीय गणतंत्र सरकार देखने को मिलेगा और यहाँ मुस्लिम सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे जनसंख्या में और 14 अगस्त उन्नीस को ये आजाद हुआ था आप देखेंगे कि आठ लाख इक्यासी हजार नौ सौ नौ सौ तेरह वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है क्षेत्रफल की बात हो रही है और लगभग चौबीस करोड़ के आसपास यहाँ की जनसंख्या देखने को मिलेगी और आप देख लीजिए पाँच राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे किस किस की गुजरात हो गया आप देखेंगे राजस्थान हो गया पंजाब जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गया पांच राज्यों की सीमा लग रही है इमरान खान को भी अपनी अपनी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट में भी आप लोग क्रिकेटर भी रहे हैं इमरान खान और आप देखिए इनका परिवार है इनकी लव स्टोरी भी बहुत चर्चा में रही है ठीक है अगर देखिए इमरान खान के पूरे नाम की बात करें कि वास्तविक नाम इनका क्या है तो अहमद खान निया नियाजी इमरान इनका पूरा नाम है और लोग इन्हें इमरान खान के नाम से जानते हैं इनका जन्म 5 अक्टूबर उन्नीस में हुआ था और लाहौर पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था इनके पिता की बात करें तो इकरा मुल्ला खान इनके पिता का नाम शौकत खानो में इनकी माता का नाम और आप देखेंगे कि इनकी पत्नी की बात करें तो बुसरा मनिका इनकी पत्नी का नाम रहीम खान इनकी पत्नी का नाम और पुत्रों की बात करें तो कासिम खान सुलेमान खान इनकी पुत्र धर्म इस्लाम है मुस्लिम है आप सभी जानते हैं स्कूल की बात करें तो रॉयल ग्रामर स्कूल इंग्लैंड से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड से भी इन्होंने शिक्षा ली हुई है ग्रेजुएट किया हुआ है याद रखिएगा और पाकिस्तानी तहरीक ए पार्टी है ना इनकी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं अगर हम लोग क्रिकेटर के रूप में इनकी करियर की बात करें तो आप देखेंगे इमरान ने 16 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलना प्रारंभ कर दिया था और उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बिलूच क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाई थी इमरान ने 1971 में बर्मिंगहम में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था और तीन साल बाद इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच वनडे मैच में हिस्सा लिया था ये दुनिया के सबसे तैन गेंदबाज माने जाते हैं और उन्नीस में ये पाकिस्तान लौट आए और उन्नीस से 77 में इन्हें राष्ट्रीय टीम की तरफ से खेलना शुरू किया था कहा पाकिस्तान की तरफ से तो ये भी याद आप लोगों को रखना चाहिए और उन्नीस में आप देखेंगे इन्होंने नौ टेस्ट मैच में तेरह दशमलव उनतीस रन पर बासठ विकेट मिले थे इन्हें ए ऑल टाइम बॉलिंग रैंकिंग में तृतीय स्थान पर माने जाते हैं इन्होंने पचहत्तर टेस्ट मैच में तीन हज़ार रन और तीन सौ विकेट प्राप्त किए इनका सबसे अधिक स्कोर एक सौ छत्तीस रन का था और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में तीन सौ बासठ विकेट लिए और पाकिस्तान के पहले बॉलर और विश्व के चौथे बॉलर बने थे और इन्होंने एक वनडे मैच खेले और तैंतीस के एवरेज से 3709 रन बनाए और उन्होंने वनडे मैच में अधिकतम 102 रन बनाए तीस साल की आयु में उन्नीस में एक क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया था पाकिस्तान की बात और कप्तान इन्होंने अड़तालीस टेस्ट मैच खेले और चौदह में जीत भी दर्ज की खान ने इंग्लैंड के खिलाफ मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया में खेले गए अपने अंतिम ओ डी आई में विश्व कप की ऐतिहासिक फाइनल के छः महीने बाद छः महीने बाद इन्होंने क्या किया था क्रिकेट से संन्यास ले लिया था उन्नीस में इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान ने क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप भी जीता था और कप्तानी के दिनों को याद करते हुए इमरान खान कहते हैं कि जब ये क्रिकेट टीम का कप्तान बना था तो ये इतना शर्मीले थे कि सीधे टीम से बात नहीं कर सकते थे और इन्हें प्रबंधक से कहना पड़ता था कि सुनिए क्या आप उनसे बात कर सकते हैं यह बात है जो उनके व्यक्त करना चाहता हूँ यानी कि इमरान खान इतने शर्मीले थे और आप देखिए कि अगर हम लोग बात करें राजनीतिक करियर की इनकी तो आप देखेंगे कि इमरान के क्रिकेट के साथ राजनीति में आ गए अपनी जगह बनाई और उन्नीस में क्रिकेट से राजनीति में आ गए और इन्होंने 25 अप्रैल उन्नीस में पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ यानी कि न्याय के लिए इंसाफ नामक पार्टी बनाई और खान ने उन्नीस में जनरल परवेज मुशर्रफ़ के सैन्य तख्ता पलट का समर्थन किया था लेकिन 2002 के आम चुनाव से कुछ महीने पहले उनके राष्ट्रपति पद की इन्होंने भर्सना भी की थी इमरान की पार्टी इमरान पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे लेकिन इन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई थी और इनकी पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी ये चार जगह से चुनाव में खड़े हुए थे जिनमें तीन जगह से ये जीत गए थे और लेकिन चौथी जगह से लाहौर से हार गए थे और अक्टूबर 2002 में ये चुनाव में खड़े हुए ओ म्यावली से संसद सदस्य बने और आप देखेंगे कि आगे 22 वर्षों के बाद इमरान खान की पार्टी को 2018 में एक बड़ी जीत हासिल हुई थी और तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे और 18 अगस्त 2018 से लेकर 10 अप्रैल 2022 तक ये प्रधानमंत्री का पद भी इन्होंने संभाला था तो ये भी आप लोग याद रखिएगा और पाकिस्तान के जो इमरान खान हैं इनकी लव स्टोरी की बताया हूँ तो अब देखिए कई हीरोइन एक्ट्रेस से भी इनके नाम जोड़े जाते हैं इनका नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस सवाना आजमी के साथ भी जुड़ा हुआ है तो ये भी याद रखिए रेखा अपने जमाने की मशहूर बॉलीवुड अदाकार थी ऐसा कहा जाता है कि इमरान खान ने कई साल पहले कुछ वक्त मुंबई में वो गुजारा था इस दौरान वो रेखा रेखा कई मौक़ों पर एक साथ देखे गए थे और इमरान खान मुनमुन शैन के किस्से भी खूब चर्चित में रहे इमरान को ये बंगाली एक्ट्रेस काफ़ी पसंद थी और इमरान की आप देखिए जीना तमान से भी इनका अफेयर चला इनके साथ भी ये चर्चा में खोब रहे हैं इमरान खान को कुछ पुरस्कार सम्मान भी मिले हैं उन्नीस से तकलीफ थी और इसके बावजूद विश्व कप जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी ऑलराउंडर ट्रिफल में ये तीसरे स्थान पर हैं और जिन्होंने जिसमें तीन हजार रन और तीन सौ विकेट हासिल किए उन्नीस और 1980 में इन्हें क्रिकेट में ऑलराउंडर होने के लिए द्रिकेट सोसायटी वे वेदर हेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था उन्नीस में इन्हें सनसेक्स क्रिकेट सोसाइटी द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था 2004 में इन्हें एक अच्छा कार्य करने और दान के कार्य करने के लिए लंदन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर सम्मान दिया गया और इन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए इम्तियाज़ भी मिला है इन्होंने पाकिस्तान में पहल कैंसर हॉस्पिटल पहले कॉन्सिप कैंसर हॉस्पिटल बनाया जिसके लिए इन्हें 2007 में मानवतावादी पुरस्कार भी मिला और 2012 में इन्हें मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था ग्लोबल पोस्ट के द्वारा शीर्ष नेताओं की सूची में तीसरे स्थान पर इन्हें रखा गया था और किताबों की बात करें इनके द्वारा कुछ किताबें भी लिखी गई हैं दटो बायोग्राफी ऑफ इमरान खान इमरान खान क्रिकेट स्किल्स इंडोस जर्नी ए पर्सनल व्यू ऑफ पाकिस्तान ऑल राउंड व्यू वारियर रेस आ जर्नी थ्रो द लैंड ऑफ द ट्राइबल पथहस पा एक और पुस्तक है पाकिस्तान ए पर्सनल हिस्ट्री और जैसा कि आप देखते हैं कि इनसे विवाद भी जुड़े रहे हैं और जब आप लोग देखिए इस तरह के किसी पद पर होते हैं तो स्वाभाविक सी बात रहती है कि पसंद करने वाले भी होते हैं और नापसंद करने वाले भी होते हैं इमरान का क्रिकेट करियर कई विवादों से घिरा रहा है और इन पर मैदान में बॉल से छेड़छाड़ करने के आरोप भी लगे हैं उन्नीस में एक मैच में के दौरान बॉल को बोतल के ढक्कन से खरोचने के कारण इन पर मुकदमा दायर हुआ था लेकिन जीत इन्हीं की हुई थी बाद में इमरान खान जब क्रिकेट खेलते थे तब उन्हें प्ले बॉय कहा जाता था इन्होंने बेटिस अरबपति जेम्स गोल्ड स्मिथ की बेटी बेटी जमीमा से निकाह किया था फिर इनका तलाक हो गया इसके बाद इन्होंने रहम खान से शादी की थी और दस महीने में इनसे भी तलाक हो गया था इमरान खान की शादियाँ और तलाक हमेशा सुर्खियों में रहे हैं और देखिए अभी भी बोल रहा हूँ कि अभी आप देखिए कि ऐसी खबर आई है कि इन्हें गोली लगी है पैर में लेकिन पाकिस्तान की ये हकीकत है लोकतंत्र की आप लोग बात ही नहीं कर सकते हैं आप सभी जानते हैं कि उन्नीस में बहुत सारे हिंदू परिवार अल्पसंख्यक पाकिस्तान गए आज आप देखिए उनकी संख्या ना के बराबर बची हुई है या तो उन्हें मार दिया गया कहते हैं या उनका धर्म जबरदस्ती परिवर्तन करवा दिया गया तो ये हकीकत है पाकिस्तान की तो इसलिए याद रखिए कि कुछ भी अगर कल सुनने में आए कि इन्हें जेल में डाल दिया गया उठा के तो मुझे लगता है कि आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए ठीक है ये शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं कि इमरान खान की है और किसी के बारे में जानने की दिलचस्पी हो तो आप लोग उसका नाम भी बताइएगा उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे